नवजोत सिंह सिद्धू की बदौलत मुख्यमंत्री भगवंत मान सीएम की कुर्सी पर बैठे ने। यह दावा डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने ट्वीट करके किया। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने दावा किया है कि भगवंत मान को मुख्यमंत्री की कुर्सी के उत्ते नवजोत सिंह सिद्धू ने बिठाया तो तोहफे वजो दी है। दस दिए कि भगवंत मान की कुर्सी नवजोत सिंह सिद्धू ने तोहफे वजो दी सी। डॉक्टर नवजोत कौर ने यह दावा मुख्यमंत्री भगवंत मान ते कांग्रेसी लीडर नवजोत सिंह सिद्धू विचाले दो विआहां नूं लैके शुरू हुई ट्विटर जंग दे जवाब दे विच दिता है। डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने ट्वीट करदिआं मुख्यमंत्री भगवंत मान की इस कुर्सी के उत्ते व्यंग कसिया। उन्होंने कहा कि 2022 दीआं विधानसभा चोणां तों पहलां नवजोत सिंह सिद्धू की दिल्ली के मुख्यमंत्री ते आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल के नाल मुलाकात का भी जिक्र किया है। वह कहिंदे ने कि यह उही दौर सी जदों नवजोत सिंह सिद्धू दे आम आदमी पार्टी के शामिल होने दीआं चर्चावां चलियां सन, पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सीएम बनने तो इनकार कर दिता सी। उन्होंने इस हवाले के नाल कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को कुर्सी नवजोत सिंह सिद्धू ने दी है। नाल ही उन्होंने कहा कि तुहानू पता होना चाहिए कि जिस सन्मानित कुर्सी पर तुसी बैठे हो वह तुहानू तुहाडे वड्डे भरा नवजोत सिंह सिद्धू ने तोहफे वजों दी है। तुहाडे अपने सब तो सीनियर नेता चाहते सन कि पंजाब के मुख्यमंत्री नवजोत सिंह सिद्धू होण ना कि भगवंत मान। नाल ही उन्होंने कहा कि केजरीवाल ने साडे सूबे प्रति उन्होंने जनून बारे जानदिआं पंजाब की अगवाई करने वख-वख चैनलों राही उन्होंने तक पहुँच की सी, पर नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पार्टी नाल धोखा नहीं करना चाहते सन। नाल सोचते सन कि जो पंजाब नूं उच्चा चुकन की रणनीति की गल आउंदी है तो दो मजबूत दिमाग वाले लोग टकरा सकते हैं। उन्होंने तुहानू मौका दिता सी। उन्होंने इको एक चिंता है कि पंजाब की भलाई होवे। उन्होंने इसलिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिता। तुसीं सच दे मार्ग ते चलदे हो तुहाडा वो समर्थन करनगे, पर जदों तुसीं इस राह तों भड़कोगे तां तुहानूं सवाल भी करनगे। दस दिए कि बीते दिन नवजोत सिंह सिद्धू ने ते डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू ने मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं ट्वीट करके जवाब दिता सी कि जो मुख्यमंत्री भगवंत मान दे वल्लों बीते दिनी इक स्टेज तों उन्हां दे पिता दे बारे जो अंकड़े बोले गए ने वो सरासर गलत ने। उन्होंने कहा सी कि उन्हां दे पिता दे दो विआह नहीं होए, जिस तों बाद लगातार लीडरां दे विच सियासी जंग लगातार चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट D5 चैनल पंजाबी। D5 चैनल पंजाबी ते होवेगी भख दे मुद्दयां दी गल। सियासी पार्टियां नूं करांगे सवाल ताकि लोक मसले होण हल। 5 जून तो लैके आ रहे हां तुहाडे भरोसे दे साथी D5 चैनल पंजाबी ते पंजाब डिबेट। सोमवार तो शुक्रवार तक शामी 6 बजे तो 7 बजे तक वेखना ना भुलना पंजाब डिबेट। निडर हां, निरपक्ष रहांगे, आजाद हां, सच कहांगे, गल करांगे सियासी हवा दी, होणगे हुकमरानां नूं सिद्धे सवाल। सब तो पहला पहुंचावांगे तुहाडे तक सिर्फ सच्ची खबर। दसांगे कौन कर रहा है थोड़े ते सबर। विदेशां च बैठे पंजाबियां दे हक दी करांगे गल। कैनेडा दी हर सियासी खबर लेके आवांगे तुहाडे वल। उभरांगे पंजाब दी आवाज बनके। होणगे हर पहलू ते रोज चर्चे। खोलांगे अंदरूनी राज। बणांगे बुलंद आवाज। खेड, सिक्ख्या, सेहत, खेती दी बात पावांगे। हर पिंड, हर शहर जावांगे। मनोरंजन नाल जुड़े कलाकारां नाल करवावांगे मुलाकात। संघर्षां वाली जिंदगी ते मारांगे चाल। की ने साडे कानून, फर्ज ते अधिकार। की करदी है साडी सरकार। की है तुहाडी मुश्किल दा हल। D5 चैनल पंजाबी दी कचहरी च होवेगी सिर्फ लोकां दी गल। धर्म, धरोहर, सेहत और संस्कृति की होगी बात। अब D5 चैनल हिंदी भी होगा सर। D5 चैनल पंजाबी, अपनी धरती, अपने लोक। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਕੁਲਰਾਜ ਰੰਧਾਵਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜਾ ਲਾਂਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ।